एक बार एक गांव था। उस गांव के बाहर एक मुर्गी खाना था। उस मुर्गी खाने का मालिक एक पेड़ के नीचे बैठकर मुर्गियों का मांस बेचा करता था। वहां बहुत गंदगी फैली रहती थी। गांव से थोड़ी दूरी पे एक जंगल था, जहां एक गुफा में चुड़ैल रहती थी। एक दिन वो चुड़ैल घनी नींद में सोई हुई थी। तभी कुछ मक्खियां उसके मुंह पे आके भिनभिनाने लगी। मक्खियों के कारण चुड़ैल की नींद खुल जाती है। ओफ, ये मक्खियां कब से कान में ओपेरा सुनाई जा रही है, कब तक सोने भी नहीं देती। मक्खियों ने चुड़ैल को इतना परेशान किया कि वो उठ खड़ी हुई। अरे मक्खियों, क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रही हो। चुड़ैल को इतना गुस्सा आया कि वो कुछ मक्खियों को मार डालती है और फिर उन्हें चटकारे लेकर खाने लगती है। अच्छू, इतनी टेस्टलेस मक्खी, लगता है कई दिन से नहाई नहीं होगी। चुड़ैल फिर सोने की कोशिश करती है, लेकिन मक्खियां थी कि रुकने का नाम ही नहीं थी ले रही। आखिर चुड़ैल परेशान होकर उठ खड़ी हुई। ये मक्खियां सोने तो दे नहीं रही, चलो इतना गांव में ही चला जाए और गांव वालों को खाकर पेट की आग बुझाई जाए। अब चुड़ैल गुफा से निकलकर गांव की ओर जाने लगी। जब वह गांव में पहुंची तो उसे दो लोग दिखाई दिए। चुड़ैल वहीं खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लग जाती है। ये इतनी मक्खियां कहां से आ गई, इन्होंने तो जीना मुश्किल कर दिया है। अब क्या करें बहन, कल तो हद ही हो गई। जब मैं पैग लगाने बैठा तो दो मक्खियां मेरे गिलास में गिर गई। ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा तो बहुत नुकसान हो गया। अरे नहीं नहीं, नुकसान कहा, मैंने गिलास से मक्खियां निकाली और उन्हें चूस कर फेंक दिया। वो लोग अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक मशीन बेचने वाला आ जाता है। भैया और उनकी बहनों, सुनो, मेरे पास है मक्खियां मारने की मशीन, इसे एक बार लगाइए और मक्खियों से छुटकारा पाइए। क्या सच में, क्या इस मशीन के हाथ भी हैं? नहीं नहीं, ये मशीन तो बैटरी से चलती है, इससे मक्खियों को बिजली का झटका बड़े जोर से लगता है। ये तो अच्छी बात है, लाओ एक मशीन मुझे दे दो। मुझे भी दे दो भैया एक मशीन। चुड़ैल भी मशीन वाले की बातें सुन रही थी। वो उन लोगों के पास चली जाती है। लाओ ये सारी मशीनें मुझे दे दो, मुझे इसकी सख्त जरूरत है। ऐसा मत करिए चुड़ैल बहन जी, इससे मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो फिर ठीक है, पहले मैं तुम्हें खा जाती हूँ, इससे तुम्हें नुकसान भी नहीं होगा और मेरा पेट भी भर जाएगा। नहीं नहीं, आप सारी मशीनें ले जाओ, कोई बात नहीं। ना चाहते हुए भी मशीन वाले ने अपनी सारी मशीनें चुड़ैल को दे दी। चुड़ैल वह मशीन लेकर अपनी गुफा की ओर चली जाती है। मशीन वाला बेचारा हाथ मलते ही रह जाता है। चुड़ैल ने गुफा में वह मशीन जगन जगह रख दी, जिसके कारण मक्खियां बड़ी तादाद में मरने लगी। अब चुड़ैल बहुत खुश थी। अब आएगी चैन की नींद, वैसे भी डॉक्टर ने कहा है 8 घंटे की नींद अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। वो दोबारा अपने बिस्तर पे सो जाती है। लेकिन तभी जंगल की ओर से कुछ मक्खियां गुफा में प्रवेश कर जाती हैं और चुड़ैल के मुंह पे भिनभिनाने लग जाती हैं। चुड़ैल की नींद खुल जाती है। उसको बहुत जोरों से गुस्सा आ जाता है। मक्खियां तो अभी भी भिनभिना रही हैं
उस मशीन वाले ने तो मुझे ही चूना लगा दिया। मैं अभी खबर लेती हूँ उसकी। चुड़ैल गुफा से निकलकर गांव की ओर जाने लगती है। गांव में पहुंचकर वो मशीन वाले को पीटने लगती है। क्या हुआ चुड़ैल जी, आप मुझे मार क्यों रही हैं? एक तो तूने मुझे खराब मशीनें दे दी और ऊपर से पूछ रहा है मैं मार क्यों रही हूँ। खराब मशीन? ऐसा नहीं हो सकता। जरा रुको, पहले ये बताओ कि तुम रहती कहाँ हो? मैं चुड़ैल हूँ और चुड़ैल किसी आलीशान बंगले में तो रहती नहीं, किसी गुफा में ही रहेगी। यही तो दिक्कत है चुड़ैल जी, ये मशीन सिर्फ बंद कमरे में ही काम करती है। आपकी गुफा बहुत बड़ी होगी और ऊपर से उसका दरवाजा भी खुला रहता होगा। तुम्हारी बात में दम है, मैं अभी जाके गुफा को दरवाजा लगाती हूँ। अगर फिर भी मक्खियाँ नहीं रुकी तो अपनी मौत के लिए तैयार रहना। चुड़ैल को मशीन वाले की बात में सच्चाई नजर आ रही थी, इसीलिए वो उसे छोड़ देती है और वापस अपनी गुफा की ओर जाने लगती है। उसने गुफा के प्रवेश द्वार पे एक बड़ा सा पत्थर रखकर उसे बंद कर दिया और खुद गुफा के अंदर जाकर चैन की नींद सोने लगी। लेकिन फिर भी मक्खियां वहां आ ही गईं। वे चुड़ैल को परेशान करने लगी। चुड़ैल की नींद खुल गई। अब तो चुड़ैल का पारा सातवें आसमान पे पहुंच गया। वो दोबारा गांव की ओर दौड़ी और मशीन वाले के पास जाकर गुस्से से बोली, आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता, तेरी मशीन अभी भी काम नहीं कर रही। मुझे जाने दो चुड़ैल बहन, भगवान करे आपकी शादी किसी बड़े भूतिया खानदान में हो, अब तो मुझे बच दो। मुझे मक्खन लगाना बंद कर और अपने आखिरी वक्त की तैयारी कर ले। मुझे एक दिन का वक्त दे दो, अगर मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया तो कल बेशक मुझे मार कर खा लेना। चल मैं तुम्हें एक दिन और देती हूँ, तू भी क्या याद रखेगा कि किसी बड़े दिल वाली चुड़ैल से पाला पड़ा था। अब मशीन वाले को एक दिन की मोहलत मिल चुकी थी। वो मक्खियों के स्रोत का पता लगाने में जुट गया। तभी वह गांव के बाहर बने मुर्गी खाने में पहुंच जाता है। वहां गंदगी के कारण मक्खियां भिनभिना रही थी, जिसे देखकर उसे सारी बात समझ में आ जाती है। वह भागा भागा चुड़ैल के पास चला जाता है। मुझे पता चल गया है कि मक्खियों ने आपको इतना परेशान क्यों किया। अच्छा तो जल्दी बता। गांव के पास एक कसाई खाना है, वहाँ बहुत गंदगी है, वहाँ मक्खियों का जमघट लगा रहता है। अगर आप उस कसाई खाने को बंद करवा दे तो मक्खियाँ कभी आपको तंग नहीं करेंगी। चुड़ैल को मशीन वाले की सारी बात समझ में आ चुकी थी। गांव के बाहर मुर्गी खाने का मालिक मुर्गियों के मांस की दुकान लगाकर बैठा था। वहाँ बहुत मक्खियाँ भिनभिना रही थी। तभी चुड़ैल वहाँ प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर सेठ के हाथ पांव फूल जाते हैं। तभी चुड़ैल उसे धमका कर कहती है, ओ मोटू लाला ध्यान से सुन, अगर तुमने दो दिनों में अपना कसाई खाना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मुर्गियों को कच्चा चबा जाऊंगी, इसे तुम मेरी आखिरी चेतावनी समझना। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। सेठ अभी तक डर के मारे सहमा खड़ा था। उसी दिन सेठ अपनी मुर्गियों को लेकर गांव से कहीं दूर चला जाता है। मक्खियां ना होने के कारण अब चुड़ैल भी चैन की नींद सोती है। चुड़ैल मशीन वाले को उसकी सारी मशीनें भी वापस कर देती है।